हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सेशन कमीशन एसएससी की ओर से नया इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया है। और ये जो नोटिस है वह है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एनडीए एग्जाम से 2019। तो ये जो है वह फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एनडीए एग्जाम से 2019 था उसका पूरा फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया एसएससी की ओर से। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द स्किल टेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एनडीए एग्जाम 2019 ऑन 7/4/2022। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो है एग्जाम हुआ था उसका जो रिजल्ट जारी कर दिया गया था वह आपको 7 अप्रैल को कर दिया गया था। इन द सेट रिजल्ट ए टोटल ऑफ 161 कैंडिडेट्स वेर डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर अपेयरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड 2101 कैंडिडेट्स वेर डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर अपेयरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। तो यहाँ पे जो है रिजल्ट में बताने के बाद में यहाँ पे 161 यानी कि 161 कैंडिडेट्स जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए और 2101 कैंडिडेट्स जो कि स्टेनोग्राफर का जो है पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनका क्वालिफाइड कर दिया गया था। इसके बाद में क्या है, एलोकेशन ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैज़ बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट एक्सरसाइज बाई द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में यहाँ पे पोस्ट और डिपार्टमेंट के ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के अनुसार से यहाँ पे उनको सारी चीज़ें एलोकेशन कर दिया गया पोस्ट और डॉक्यूमेंट्स को। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है आगे में, और कीपिंग इन द व्यू ऑफ वैकेंसी पोजिशन कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी टू वेरियस पोस्ट इन डिफरेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिसर्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे सारी चीज़ देखने के बाद में यहाँ पर ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए वेरियस पोस्ट है वेरियस डिपार्टमेंट में उसको किस प्रकार से दिया गया है यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर आगे में देखते हैं। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए देखिए वैकेंसी जो है और यहाँ पर कितना कैंडिडेट्स को बुलाया गया वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना किस प्रकार से है, वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए देखिए यहाँ पर एसटी एससी ओबीसी करके दिया हुआ टोटल, ये रिकमेंड कितना किया गया है कितना सेलेक्ट किया गया ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये भी देखना है कि 04 ओबीसी कैंडिडेट्स ऑफ ओरिजिनल कैटेगरी क्वालिफाइड अगेंस्ट अनरिजर्व। तो यहाँ पे जो है 4 कैंडिडेट्स हैं जो उसको कि अनरिजर्व की तरह से देखा गया, ये सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया गया था, आप लोग यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया है कि कैटेगरी वाइज ब्रेकअप कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एलोंग विद द मार्क्स एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसको सारी चीज़ें लास्ट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यहाँ पे किस प्रकार से इनको कैटेगराइज किया गया है ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मार्क्स एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर सर्विसेज डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए। तो यहाँ पर लास्ट कैंडिडेट जो है जिसको स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए सेलेक्ट किया गया उसका मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे है डिपार्टमेंट कोड कैटेगरी कोड वैकेंसी फील्ड इस टोटल मार्क्स है पेपर वन पेपर टू का है डेट ऑफ बर्थ ऑफ लास्ट कैंडिडेट्स का है यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं किस प्रकार से। और इसके बाद में है सर्विस डिपार्टमेंट कैडर कोड्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। यहाँ पर देखिए कोड किस प्रकार से दिया है, कोड के हिसाब से यहाँ पे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बताया गया है देखिए इस प्रकार से है यहाँ पर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में है यहाँ मार्क्स एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द सर्विस डिपार्टमेंट कैडर्स अंडर द स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। तो यहाँ पे जो है ग्रेड डी के लिए जो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है उसका लास्ट रोल नंबर लास्ट सेलेक्टेड है उसका मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार से वहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरी है यहाँ पर वैकेंसी फील्ड टोटल मार्क्स पेपर वन पेपर टू का जो है फिलहाल डेट जो है वो अभी दिया गया इस प्रकार से यहाँ पे कैटेगरी सब सारी चीज़ें आप लोग आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है देखिए यहाँ पर भी है जो कि डी के लिए हुआ था 2101 कैंडिडेट्स पास हुए थे यहाँ पर तो उन्हीं का यहाँ पर दिया गया है कोड को देखिए इतना है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए सर्विस डिपार्टमेंट कैडर कोड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए जो है ग्रेड डी के लिए जो है यहाँ पे कैडर कोड्स डिपार्टमेंट सर्विस है D1, D5, D6, D7 से करते हुए यहाँ पे देखिए इस प्रकार से है कौन कौन से हैं यहाँ भी इतना दूर तक है इधर आप लोगों को यहाँ पे आराम से देख लेना। अब देखिए रिजर्वेशन ऑफ टाइगर्स अगर कोई
दो कैंडिडेट्स का जो है एकदम मार्क्स एक ही जैसा होता है, तो उसको किस प्रकार से किया जा सकता है? तो यहाँ पे दिया गया है कि मार्क्स देखा जाएगा पार्ट वन के हिसाब से, फिर उसमें भी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का देखा जाएगा, पार्ट टू का अगर देखा जाएगा तो उसमें जनरल अवेयरनेस का देखा जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ऑटो कैंडिडेट को हायर दिखाया जाएगा यहाँ पे, आप लोगों को ध्यान अल्फाबेटिक ऑर्डिकल ऑर्डर भी देखा जाएगा, फिर उस प्रकार से, तो इस प्रकार से इसको रिजोल्यूशन किया जाएगा अगर कुछ भी टाई हो जाता है तो। यहाँ पे फिर है साफ साफ द रिजल्ट ऑफ द फोर कैंडिडेट्स बियरिंग रोल नंबर जो दिया गया यहाँ पे चार है, उसको कुछ अलग कारणों से आगे के लिए इसको रोक दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है चार कैंडिडेट्स है जिसका रोल नंबर है, यहाँ पे मिला सकते हैं उनको कुछ फर्दर से स्क्रूटनी के लिए इनको रोका गया है। उसके बाद में है कि एनी डिस्क्रिपेंसी विद रेस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन एलोकेशन और पोस्ट अंडर डिपार्टमेंट ETC में बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कमीशन विद अ पीरियड ऑफ 1 month, एनी सच रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर 1 month विल बी एंटरटेन बाय द कमीशन। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी होगा वो 1 महीने तक के अंदर में सारी चीज़ों की हो जाएगी, फिर उसमें नोटिस भी आप लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, ये बताया गया है। इसके अलावा में यहाँ पे कहता है कैंडिडेचर ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज प्रोविजन द यूजर डिपार्टमेंट विल चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स थ्रोली इन ऑल रेस्पेक्ट बिफोर यूजिंग ऑफर और अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें होने के बाद में अपॉइंट करने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ों को भी देखा जा सकता है, चेक किया जा सकता है अपने एलिजिबिलिटी को, तभी जा करके आपका यहाँ पे पूरा फाइनल हो जाएगा। उसके बाद है इफ़ ए कैंडिडेट इज फाइनली सेलेक्टेड एंड डज नॉट रिसीव एनी कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम द कमीशन और कंसर्न्ड यूजर डिपार्टमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ही सी मस्ट ब्रिंग दिस टू नोटिस टू यूजर डिपार्टमेंट इमिडिएटली द अर्लियर। तो यहाँ पे है कि सारी चीज़ें होने के बाद में अगर कोई भी कैंडिडेट्स को जो कि है वहाँ पे कुछ नहीं मिल पाता कमीशन की ओर से, तो आपको जो है 1 साल के बाद में रिजल्ट होने के बाद आपको उस नोटिस को लेकर के आना है उस डिपार्टमेंट में। तो यहाँ भी आप लोगों को कह रहे हैं, यहाँ भी कुछ कहा गया, डिटेल्स मार्क्स ऑफ सिलेक्टेड एंड नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 31/5/2022, दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर 31/5/2022 टू 21/6/2022 कैंडिडेट्स में चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स बाई यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्टर पासवर्ड एंड क्लिक ऑन रिजल्ट मार्क्स टैब ऑन द कैंडिडेट डैशबोर्ड। तो यहाँ पे है कि जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और नॉन सेलेक्ट कैंडिडेट्स हैं उनका जो है मार्क्स को यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, हुआ है 31 मई को, 31 मई को, और उसके बाद में यह 31 मई से लेकर के 21 जून तक आपको ये फैसिलिटी मिलता रहेगा कि आप लोग अपने जो है मार्क्स को देख सकते हैं जो भी सिलेक्टेड हैं और नॉन सिलेक्टेड हैं। और उसके लिए आप लोगों को करना है कि कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाना है और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर पासवर्ड के थ्रू से रिजल्ट मार्क्स टैब में जाने के बाद में आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार का ये नोटिस आया हुआ है, तो यही एक नोटिस है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि स्टेनोग्राफर CNT एग्जामिनेशन 2019 लिखे थे उनका फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी देखिए यहाँ पे, और उनको अब यहाँ पे पोस्ट डिपार्टमेंट मिलने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा और गुड न्यूज़ है, जितने भी कैंडिडेट्स हुए इस पूरे चीज़ों को ध्यान रखेंगे।